और इसको अब एक उबालन देंगे और इस तरह खोल के दो इलायची ऐड कर देंगे और इसको अब हम एक उबालन देंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ले, हमने यहाँ पे हाफ कप शुगर ली थी। अब हम इसको जब तक कुक करना है जब तक हमारी चीनी पिघल नहीं जाती जब तक। तो अब मैंने दूध को अगली गैस पर रख दिया और इस कढ़ाई गरम करने रख दिया है। तो इसमें 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और उसको मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है, अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिया है, आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स चाहिए वो भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और उसी सेम पैन में और घी डालेंगे और फिर हमें हमारा जो आटा लिया था वो ऐड कर देंगे। व्हीट फ्लावर ऐड कर देंगे हम और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी आटा लिया था, हमने 1 कटोरी घी लिया और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे। अब इसको हम इस तरह चलाते रहेंगे। अब और एक चम्मच डाल के हम इसको फिर से मिक्स करेंगे और फ्लेम स्लो रखेंगे। तो हमारी कटोरी में इतना घी बच गया, अब हम इसको ऐड करके और इसको अब हम अच्छे से चलाते हुए हमारे हलवे को पका लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो घी है वो दिखना स्टार्ट हो चुका है और आटे में से खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा दूध नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है और हमें आटे को अच्छे से पकाना है। और अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे हमारे जो फ्राई किए हुए थे और हमें इसे जब तक पकाना है जब तक हमारा जो आटा है वो पैन को छोड़ने ना लगे जब तक हम इसे कुक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो घी था वो एकदम बन हो चुका है और हमारा आटे ने भी हलवे ने भी कढ़ाई छूना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसका गैस कर देंगे बंद और इसको हम सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइड कॉर्नर पे हमारा जो घी हो गया है वो जमा हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए कितना प्यारा बनके तैयार है हमारा आटे का हलवा। तो यहाँ पर रेडी है हमारे आटा का हलवा। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।